फ्रेंड्स, वेलकम टू फिफ्थ क्लासिक विद मनाली। आप सबको आने वाली रथ यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए प्रभु श्री जगन्नाथ जी की एक प्यारी मूर्ति बनाने जा रही हूँ। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और देख के मुझे बताइएगा ये प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति आप लोगों को कैसी लगी। और आज मैं आप लोगों के साथ मेरी लाइफ की एक स्पेशल बात शेयर भी करने वाली हूँ, तो एंड तक जरूर बने रहिए। मैं यहाँ पे सुपर क्ले का यूज़ कर रही हूँ प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने के लिए, और मैं एक एक करके सारे डिटेलिंग्स ऐड करते जा रही हूँ। आप उसको फॉलो कीजिए, मैं बहुत ही इजी प्रोसेस से इसको बनाने वाली हूँ। आप भी बहुत इजीली इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति बहुत अच्छे से बना पाएंगे। रथ यात्रा का ये दिन सभी लोगों के लिए बहुत स्पेशल होता है, तो आप लोग ये दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ओ हाँ फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों को मेरी वो सीक्रेट बात बताती हूँ। रथ यात्रा का ये जो फेस्टिवल है ना, ये मेरे लाइफ के लिए एक स्पेशल डे है। 2014 को रथ यात्रा के दिन मेरी शादी की रजिस्ट्री हुई थी, और उल्टा रथ यात्रा आता है उस दिन मेरी सोशल मैरिज हुई थी, तो ये डेट मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। और वो डेट था 7 जुलाई, और इस साल भी रथ यात्रा 7 जुलाई को ही है, तो इस साल थोड़ा एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन तो बनता ही है, क्यों फ्रेंड्स, है ना। देखिए, आप लोगों के साथ बात करते करते प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति बन भी गई है। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके बाकी डिटेलिंग्स ऐड करते जा रही हूँ। मेरे चैनल में और भी प्रभु श्री जगन्नाथ जी की बाकी वीडियोस भी हैं, चाहे तो आप उन सबको भी देख सकते हैं। और देख के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वो वीडियो कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी से मुझे एक्स्ट्रा थोड़ा एनर्जी मिल जाता है आप लोगों के लिए कुछ नया वीडियो बनाने का। मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। राधे कृष्णा।